अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आपने शुरू से लेकर एंड तक देखने हैं। और हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो बर्गर। हमें चाहिए कितना कीमा? एक पाव कीमा। जी जनाब, तो जैसे आपने सुना कि हमने लेना है चिकन एक पाव कीमे की फॉर्म में, और इसके अलावा आपने इसके अंदर डालना है एक प्याज चॉप किया हुआ, और इसके साथ साथ चार हरी मिर्चें, उनको भी आपने अच्छे से चॉप कर लेना है, और इस सब को आपने मिक्स कर देना है चिकन के कीमे के अंदर। अब आपने इसके अंदर डालने हैं मसाले। आधा चम्मच डलेगा नमक का, आधा चम्मच डलेगा लाल मिर्च का, और आधा ही चम्मच डलेगा जीरे का, और आधा चम्मच डलेगा चिली फ्लेक्स का। और फिर आपने लेना है कद्दूकस किया हुआ आलू। सॉरी, आलू नहीं, टमाटर। अब इसके अंदर डाल दें आप एक अंडा, और इसको कर लें अच्छे तरीके से मिक्स। ये रेसिपी अंसा की मम्मा की है। आंटी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, और ये बात अंसा के मुंह से खुद ही सुन लें। ये मेरी अम्मी की क्या है रेसिपी है, खुद बनाई हुई। अब आप इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए रख दें रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये ठंडा हो जाए, जुड़ जाए आपस में, और इसके बहुत आसानी से क्या बन जाए, टिकिया नहीं, टिकिया नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, पैटीज, यस, इसकी आसानी से पैटीज बन जाए। ये जितना मटेरियल हमने बनाया था, इस मटेरियल से चार आपके पैटीज बन रहे हैं, यानी कि आपके चार बर्गर आसानी से तैयार हो सकते हैं। अब आप इन पैटीज पे कोटिंग कर सकते हैं चावलों के आटे की भी, या फिर अगर आप चाहें मैदे की भी, और इन पे कोटिंग करने के बाद अब आपने सिंपली इसको कर लेना है फ्राई तवे के ऊपर। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब आप पैटीज के ऊपर चीज़ लगा देना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा सच में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। केचप, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज, और यहाँ पे पत्ते शत्ते जो भी आप खाते हैं सैलड में, वो सारे कुछ रखें। ऊपर आप रख दें अपनी प्यारी सी पैटी चीज़ वाली, और इस पर रखें, कवर करें, और मज़े ले लेके खाएं। कितना अच्छा लग रहा है, इसमें एक तिनका भी फंसा दें, ज़्यादा शो बच जाएगी जी। तो चिकन पोटैटो बर्गर ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और अगर तो आपको टेस्टी लगी रेसिपी या वीडियो देखने में मज़ा आया, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। भाई ये हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है ना, खाना जब भी बनाएं अपनों के लिए खुशी खुशी बनाएं, क्योंकि खुशी से बनाए हुए खाने का मज़ा ही कुछ होता है। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।